उत्तर प्रदेश के गांव की हकीकत परखने के क्रम में आज हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड क्षेत्र में हैं। मोहनलालगंज विकास खंड क्षेत्र के समेसी गांव में जहां एक बड़ी ग्राम सभा है और यहां के प्रधान प्रतिनिधि अतुल जी हैं, यहां हम जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय और सफाई कार्यक्रम, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इस क्रम में क्या कार्य चल रहा है। इसी विकास की जानकारी के लिए आज हम हकीकत परखने के लिए पहुंचे हैं समेसी ग्राम सभा, जहां हम बात करेंगे प्रधान प्रतिनिधि अतुल जी से। अतुल जी बताएंगे कि वो किस तरह से विकास के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या दिक्कतें इनको आ रही हैं। बात करेंगे हम जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि अतुल यादव ग्राम सभा समेसी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ इस समय शौचालय निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे यहाँ जो भी शौचालय अभी तक प्राप्त हुए हैं वो लाभार्थियों के खाते में पैसा लगा दिया गया है और लगातार प्रयासरत है कि हमारे यहाँ जो है 100% शौचालय बहुत जल्द से जल्द बन के चालू हो जाए। तो जनता का क्या रुख है इस विषय में, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबको शौचालय दिए जा रहे हैं, तो जनता इसमें क्या आपका सहयोग कर रही है? जनता का बराबर सहयोग मिल रहा है, जनता खुश भी, जनता इस मिशन में खुश है, सहयोग बिल्कुल बिल्कुल। सफाई व्यवस्था क्या रहती है, लोग साफ सुथरा पसंद करते हैं जैसे स्वच्छ भारत के अंतर्गत? हम लोग जो है समय समय पर गाँव में जा करके लोगों को जागरूक करते हैं कि लोगों को क्षेत्र भी बटा हुआ है कि आपको इतने से इतने में अपने अपने जो है अगर घर के सामने जो रास्ता है अगर उसको जो है साफ कर दें तो जिससे कि मतलब सफाई जो है अच्छी तरह से बनी रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का सपना है सबको आवास दिया जाए, तो उसमें जो पात्रता सूची में है तो उनका नाम आप भेजते हैं तो उसमें क्या प्रगति है? देखिए अभी तक हमारे यहाँ जो है जो 2011 की सूची ली गई थी इसको शायद इसी डाटा बोलते हैं जी, तो वो आवास जो है हमारे यहाँ सारे प्राप्त हो चुके हैं। अभी कुछ OBC के 6 से 7 आवास जो है लोगों को नहीं मिले थे, जो वो भी जो है मिलने वाले हैं। अभी हम ब्लॉक गए थे तो बोले थे कि इन लोगों का जो है डोंगल लगवा दिया गया है। और जो हम लोगों से जो है नई सूची मांगी गई थी पात्र लाभार्थियों की आवास के, तो वो सूची हम लोगों ने बना के उनको दे दी है जिसकी एक बार जांच भी हो चुकी है। अब यही कहा जाता है कि लक्ष्य आते ही सबको आवास दे दिया जाएगा। अभी तो नई सूची हमारे लोगों की बनाई हुई है, उसमें से एक भी आवास भी प्राप्त पब्लिक को नहीं हुआ है। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? कार्ड हमारे यहाँ 99% बने हुए हैं। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय? हाँ, पात्र गृहस्थी अंत्योदय सारे कार्ड बने हुए हैं जिससे लोग संतुष्ट हुए। अच्छा, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन जो ज्यादातर लोग यहाँ पर देहात में बुजुर्ग लोग, पेंशन को लेकर हम लोग जो है समय समय पर कैंप लगा करके जो है पेंशन के फार्म लोगों से भरवाते हैं, भरवा करके प्रस्ताव करके हम लोग ब्लॉक में देते हैं, ब्लॉक के द्वारा जिले में सूची जाती है, जिसके संबंध में हम लोगों से जो है बराबर समाज कल्याण विभाग में बात भी होती, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा जो है कष्ट जरूर होता है ये कि अगर हम लोग यहाँ से ऑनलाइन करा के या कोई बुजुर्ग या सब लोग आके अपना मतलब 150 रुपया ऑनलाइन में खर्चा होता है, या प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है लोगों को, 100-200-300 रुपया का खर्चा लगता है, उसके बाद अगर हम लोग ऑनलाइन करा करके भेजते हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि 425 नामों की सूची जो कि हम लोग भेज चुके हैं, लेकिन आज तक उन लोगों के बुजुर्ग लोगों के खाते में आज तक पैसा नहीं आया है, जिसमें से करीब 70 से 80 नाम जो है ये है विधवा वाले, विधवा पेंशन के जी, और वृद्धा पेंशन के कम से कम है 400 नाम जी, उनके खाते में आज तक अभी पैसा नहीं आया। 2000 कुछ उसमें से 2018 के फार्म है, कुछ 2019 के फार्म है। हम लोग समाज कल्याण में बात करते हैं, आ जाएगा आ जाएगा, इससे कि कुछ शिकायत कहीं CDO से या DDO से? अब वही समाज कल्याण विभाग में जाते हैं, DDO से शिकायत करते हैं। हम लोग तो अब ये है कि प्रधान प्रतिनिधि हैं, अब मौके के तौर पे जाके सबसे कहते हैं आ जाएगा आ जाएगा, अब
अगर नहीं आएगा तो हम लोग लिखित में भी शिकायत करेंगे। अच्छा, ग्राम प्रतिनिधि के तौर पर लोग आपसे पूछते भी होंगे? अब हम बहुत परेशान करते हैं, बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, कहती भैया हम बताइए, हम फार्म दिए थे आज तक हमारा पैसा नहीं आया, तो क्या करें। अब हम लोग जब वहाँ से जो कहा जाता है वही हम लोग बता देते हैं कि आ जाएगा माता जी पैसा, अब क्या बताएं। ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। वैसे सबसे बड़ी समस्या यही है, सरकार जो है बताइए किसान निधि योजना का पैसा डायरेक्ट दे रही है, और जो ये जो बेचारे उसके लिए बजट भी है उनके पास। अच्छा, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है किसानों के? किसान सम्मान निधि का जो है हमारे यहाँ लगभग 95% लोगों के हम खुद फार्म भरवा करके डाले हैं खाते में पैसा आया है, जिसमें से लगभग 70% लोगों के खाते में पैसा आ गया है। अभी कुछ लगभग में बता रहे हैं कि आप 20% लोग ऐसे होंगे जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। तो कृषि विभाग के लोगों से हमने बात भी किया था, तो वो यही बता रहे हैं कि पैसा आ जाएगा अभी बजट आते ही, लेकिन अभी मान के चलिए कि 20% लोगों के खाते में पैसा नहीं आया। अभी बात कर रहे थे हम समेसी ग्राम सभा की प्रधान श्रीमती उतान के प्रतिनिधि हैं और पुत्र भी हैं अतुल यादव जी से। अतुल यादव जी बता रहे थे कि हम जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ की मूल समस्या जो है बुजुर्ग वृद्धावस्था विधवा विकलांगों के पेंशन को लेकर के है, जिनके फार्म भी भरवाए जा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई पैसा नहीं आया है, जिससे हमको बार बार जवाब देना पड़ता है। बुजुर्ग लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि हमने सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा। यह एक मुख्य समस्या बताई प्रधान प्रति